हे एवरीवन, मेरे इस वाले वीडियो में मैंने कुछ बॉडी जेस्चर डिस्कस किया था जो बहुत सिमिलर और कॉमन दिखते, लेकिन एक छोटे से चेंज या डिफरेंस की वजह से ये सेम जेस्चर सेम सिचुएशन में कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देते। और शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इस इम्पैक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। इस वाले वीडियो में मैंने बेसिकली ऐसे 6 पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव जेस्चर डिस्कस किया था जो मैंने आपको विदाउट सेइंग अ वर्ड बुक की हेल्प से बताया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो ऊपर निकलते आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। वेल, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में मैं फिर से इसी बुक की हेल्प से ऐसे और 5 पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव बॉडी जेस्चर डिस्कस करूंगा जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है सो दैट आप सही टाइम पे सही जगह पे इसमें से एक को यूज कर सको और दूसरे को अवॉइड। इसलिए अपने बॉडी जेस्चर्स को इम्प्रूव करके अपनी बॉडी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, थम्स अप वर्सेस होल्डिंग योर ओन थम्ब। थम्स अप वाला जो जेस्चर है वो बहुत ही कॉमन होता है जो हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। बेसिकली जब हमें खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करना होता है किसी टास्क को लेके या किसी चीज के लिए ओके बोलना होता है या किसी को गो अहेड का अप्रूवल देना होता है तो उस टाइम हम इस थम अप जेस्चर्स का यूज करते हैं, विच इज अ पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन जब आप अपने उसी थम को अपने हाथ के फिंगर्स के अंदर होल्ड करके रखते हो कुछ इस तरह से तो ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है जो आपके बारे में बहुत सी नेगेटिविटी शो करता है। बेसिकली इस टाइप का जेस्चर इंडिकेट करता है कि आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो या किसी चीज को लेके परेशान हो या किसी बात को लेके बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। नंबर 2, हैंड्स क्लैप्स बिहाइंड बैक वर्सेस क्रॉस्ड आर्म्स एंड बॉल्ड फिस्ट। ड्यूटी पे जॉब करता हुआ पुलिसमैन हो, एग्जाम का सुपरवाइजर हो या फिल्म का कोई डायरेक्टर, ये तीनों जब अपने कामों पे एक्शन मोड में होते हैं तो इन सब में एक कॉमन जेस्चर देखने को मिलता है जो कि है हैंड क्लैप्स बिहाइंड बैक, मतलब अपने दोनों हाथों को पीछे जोड़ के खड़े रहना कुछ इस तरह से। वेल, इस टाइप का जेस्चर इंसान तब देता है जब वो कॉन्फिडेंट होता है अपनी बात को लेके या खुद को दूसरों के सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझता है। लेकिन जब सेम हाथ को इंसान आगे की तरफ क्रॉस करके खड़ा होता है जहां उसके दोनों या एक पाम टाइट फोल्डेड है कुछ इस तरह से तो ये नेगेटिव जेस्चर होता है जो ये शो करता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही हाई लेवल के एग्रेशन मोड पे पहुंच चुका है और वो किसी भी वक्त आपकी कोई भी बात की वजह से आप पे अटैक कर सकता है। नंबर 3, स्ट्रेचिंग आउट योर लेग्स विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट वर्सेस सडनली स्ट्रेचिंग लेग्स। अगर आप कोई मीटिंग में बैठ के किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो तो बैठते वक्त भी आप पॉजिटिवली खुद का कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो और उस मीटिंग को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। बस आपको अपना लेग स्ट्रेच करना होगा और अपने हाथ को या तो अपने पॉकेट में रखना होगा या तो अपने हिप्स पे कुछ इस तरह से। ये वाला जेस्चर ना मोस्टली कंपनीज के डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ये जेस्चर इंसान तब भी देता है जब उसे किसी डिस्कशन में अपने फाइनल पॉइंट दे के उसे पॉजिटिवली क्लोज करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर सामने वाले ने सडनली अपने लेग्स को स्ट्रेच किया लेकिन स्ट्रेच करते वक्त वो थोड़ा पीछे हो गया और उसका हाथ या तो क्रॉस है या तो टेबल पे है कुछ इस तरह से तो ये नेगेटिव जेस्चर होता है जो ये शो और इंडिकेट करता है कि सामने वाला इंसान उस डिस्कशन पे स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करके अपने पॉइंट को सही प्रूफ करने के लिए दूसरों पे वर्बली अटैक करने वाला है। नंबर 4, सिटिंग बैक टू फ्रंट ऑन अ चेयर वर्सेस हाइडिंग बिहाइंड फर्नीचर। वापस से चेयर सिटिंग जेस्चर की बात करेंगे लेकिन यहाँ भी वापस एक ट्विस्ट है। चेयर पे कुछ इस तरह से बैठा हुआ जेस्चर आपने देखे होंगे जहां अपने चेस्ट को इंसान चेयर के बैक पे टिका के बैठता है तो ये सिग्नल होता है डोमिनेट करने का, जहां वो इंसान समहाउ उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। या सम टाइम ये भी हो सकता है कि वो ऐसा इसलिए बैठा है सो दैट वो दूसरों के वर्बल अटैक से खुद को बचा सके। लेकिन वही अगर वो इंसान बैठा है और उसके सामने एक टेबल है तो ये नेगेटिव जेस्चर बन जाता है जो ये इंडिकेट करता है कि उस कम्युनिकेशन के दौरान वो इंसान अपनी बातों को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। एक कॉन्फिडेंट स्पीकर ओपनली स्टेज पे मूव करके स्पीच देता है लेकिन जब आप पोडियम पे खड़े होकर स्पीच देते हो तो नो डाउट वो भी कॉन्फिडेंट जेस्चर है लेकिन सम टाइम ऑडियंस को फील होता है कि शायद आप अपनी स्पीच को लेके पूरी तरह से प्रिपेयर और कॉन्फिडेंट नहीं हो। नंबर 5, लेग्स हॉरिजॉन्टल एट 90 डिग्रीज पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव।
चेयर पे कुछ इस तरह से बैठने वाला जेस्चर भी बहुत कॉमन है, जिसे नंबर 4 जेस्चर भी कहते हैं, जहां आपका एक पैर दूसरे पैर पे रखा हुआ होता है, जिससे एक 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब ऐसी सिटिंग पोजीशन में हैंड जेस्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सामने वाले इंसान इस पोजीशन में बैठा है लेकिन उसके दोनों हाथ फोल्डेड है, या उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में मिलके कुछ इस तरह से पोजीशन में है, तो ये नेगेटिव जेस्चर होता है, विच शोज कि वो रेडी है आपसे डिबेट और आर्ग्यू करने के लिए। लेकिन अगर सेम पोजीशन में बैठते वक्त सामने वाले इंसान ने अपना एक हाथ एंकल पे रखा है और दूसरा काफ या नी पे कुछ इस तरह से, तो ये पॉजिटिव जेस्चर होता है, विच शोज कि वो काम है, कॉन्फिडेंट है और उसे किसी भी बात का डर नहीं है। इसलिए नेक्स्ट टाइम कन्वर्सेशन करते वक्त किसी को भी इस पोजीशन में बैठा हुआ देखो, तो उस टाइम उसके हैंड के पोजीशन को जरूर ऑब्जर्व करना। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव बॉडी जेस्चर और सिग्नल, जिसे ऑब्जर्व करके आप सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड को रीड कर सकते हो। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि ये बातें मैंने आपको विदाउट सेइंग अ वर्ड बुक से बताई है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन जेस्चर को फॉलो करके एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को खुद के अंदर बिल्ड कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप कॉन्फिडेंटली खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।